सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, गेमिंग हम कभी कभार कर लेते हैं मोबाइल वगैरह में या अपने और बाकी गैजेट्स में। इसके नुकसान पता है आपको कितने हो सकते हैं, फ़ायदे भी होते हैं लेकिन नुकसान कितने ज़्यादा हो सकते हैं क्या आपको कोई आइडिया है? आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। यार ऑनेस्टली ना, मेरे में हिम्मत नहीं है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने की, बट ज़रूरी बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि यार ये इसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, लखनऊ में एक 16 साल के बच्चे ने अपनी मदर की गोली मार के हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि आर्ग्यूमेंट हुआ था, कुछ पैसे चाहिए थे, कुछ पैसों को लेके कुछ गेम वगैरह का एडिक्शन था, वेरियस थिंग्स। ये बोलना या लिखना कहीं पे या कहीं इंटरनेट पे पढ़ना आसान है, लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचो अंदर से ना, दिमाग हिल जाएगा पूरा का पूरा। और ये गेमिंग एडिक्शन, पबजी, BGMI, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, एसफॉल्ट, वॉट एवर, क्या इस एक्सट्रीम तक कोई जा सकता है? कई बार पहले हमने न्यूज़ देखी है जहाँ पे लोगों ने जो है वो बच्चों ने, लोग भी बच्चों ने 10 साल, 12 साल, 13 साल, 17 साल बच्चों ने सुसाइड किया है, काफ़ी लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, कोई घर से भाग गया है, किसी ने अपना एक अलग पूरा ट्रैक ले लिया है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस डिवाइस, ये वर्चुअल दुनिया की वजह से कि क्या हम गेम खेल रहे हैं? रियली काफ़ी गेमर्स इन जनरल जो किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, कोई ये मानने को तैयार नहीं होता कि एडिक्शन नाम की कोई चीज़ होती है या कोई एडिक्ट है किसी चीज़ को लेके। कोई एग्री नहीं करता, जो खुद होता है वो कभी एग्री नहीं करता कि मुझे एडिक्शन है, बट इट इज़ देयर, इट एग्जिस्ट्स। गेमिंग का एडिक्शन होता है, जो लगातार अगर किसी एक चीज़ में आप इन्वॉल्व हो तो देर आर फ्यू थिंग्स जो आपको एडिक्ट बनाती हैं। जो आप कंटिन्यूस गेम खेलते हो, जो आपको उस टाइम पे उसमें मज़ा आ रहा होता है, वो मज़ा आपको बार बार चाहिए होता है, वो आपको एडिक्ट बनाता है इफ़ यू डू इट इन एक्सेस। एंड दिस इज़ वॉट इट हैज़ हैपेंड हियर। तो हमें ना एक बात आई थिंक सोचनी चाहिए, और बहुत ही गहराई से सोचनी चाहिए कि गेम खेलना है अच्छा, अच्छी बात है, काफ़ी फ़ायदे होते हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है, हमारी लर्निंग स्किल्स बढ़ जाती हैं, हम चीज़ें बेहतर समझ पाते हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं गेमिंग के, लेकिन डेफिनेटली इन मॉडरेशन। आधा घंटा, एक घंटा कभी कभार टाइम पास के लिए, थिंग्स लाइक दैट, नॉट ऑन अ एक्सट्रीम काइंड ऑफ लेवल जहाँ पे हम दिन भर एक चीज़ में लगे हैं। ब्रांड्स एट टाइम्स दे प्रमोट देयर फोन्स एंड दे शो द लाइफ ऑफ अ गेमर एज कि बंदा बस गेम खेले जा रहा है, पता नहीं क्या मैसेजिंग मिल रही है। हम गेम्स देखते हैं कई बार, तो प्रमोटिंग समथिंग इन एक्सेस आई थिंक हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ डिसएडवांटेजेस, जहाँ पे काफ़ी लोग शायद उस मैसेजिंग को सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं, और वो इन एक्सेस किसी चीज़ को अगर अपना लें अपनी ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ये नुकसान आपके सामने है अभी, ये रियल न्यूज़ है, ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने कहने के लिए बोल दिया, इट हैज़ हैपन्ड इन लखनऊ। 16 साल के बच्चे ने अपनी मॉम को शूट किया, उसके बाद में उनकी डेड बॉडी को घर में 2 दिन तक छुपा के रखा। ही यूज्ड एयर फ्रेशनर ताकि बदबू ना आए, रूम में AC ऑन करके लॉक कर दिया रूम को,
और उसके बाद में जब लेवल से बाहर गया तो फिर एक फेक स्टोरी बना के अपने डैड को बताया एंड ऑल, मतलब वो सब बात। इतना इतना हम हो सकते हैं क्या? 16 साल का बच्चा है यार, उसकी 10 साल की छोटी बहन थी, उसको डराया था कि किसी को बताना मत या व्हाटएवर। पास्ट में हमने देखे हैं ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस, हमने देखे हैं ना इस तरह के काफ़ी सारे किस्से आते हैं कि किसी ने खुद को नुकसान पहुंचा लिया, कोई घर से भाग गया, कोई अपने घर में जो है वो सबसे लड़ाई करके बैठा है, कोई अपने आप को एक कमरे में लॉक करके रखता है, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। ये चीज़ें मतलब यार ये तो हमारे फ़ायदे के लिए होनी चाहिए ना, लेकिन अगर हम इनको इतना अपना क्लोज समझ लें कि जो एक्चुअल में लोग क्लोज हैं उनकी वैल्यू हम भूल जाएं, यार ये क्या क्या मजाक है। मतलब वी शुड कंट्रोल द डिवाइस ना, वी शुड नॉट लेट द डिवाइस द गेम और द स्मार्टफोन कंट्रोल अस। इतने एक्सेस में तो क्या ही कर सकते हैं। आई थिंक हमें थोड़ा सा और एजुकेशन की ज़रूरत है, थोड़ा सा और यू नो एक क्लैरिटी की ज़रूरत है इन सब चीज़ों को लेके भी बात करनी ज़रूरी है, और डेफिनेटली देर शुड बी सम लाइंस कि व्हाट इज़ यू नो अलाउड और व्हाट इज़ नॉट अलाउड। आपको पता है चाइना में ना बच्चे जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो गेम्स नहीं खेल सकते एक सर्टेन टाइम पीरियड से ज़्यादा, उनके सब में डिवाइसेस में वो सिस्टम्स लगे हुए हैं। जो चाइना सबसे ज़्यादा डिवाइसेस बनाता है, जो सबसे ज़्यादा गेम्स बनाता है, वो खुद अपने कंट्री में ये रूल लगा के बैठा है। आई थिंक वी शुड डेफिनेटली हैव अ सेट ऑफ यू नो काइंड ऑफ रूल्स या डूज डोंट्स या समथिंग जस्ट टू मेक श्योर कि कोई उस गेम की वजह से जिसका मेन पर्पज़ एंटरटेनमेंट है अपना नुकसान ना करवाए और अपनों का नुकसान ना करे या आसपास सोसाइटी में जो है वो कुछ गलत ना कर दे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। मैं आपसे मिलता हूँ किसी ऐसे ही वीडियो में, हर रोज़ आता ही हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।